केंद्र सरकार ने बैंकिंग क्षेत्र में बड़े सुधारों की घोषणा करते हुए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का किया विलय। मतदाता सूची में किसी भी तरह की गलती में सुधार के लिए कल से छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में शुरू होगा मतदाता सत्यापन कार्यक्रम। केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने भिलाई में FSNL का किया निरीक्षण। और राष्ट्रीय पोषण माह के दौरान घर घर पोषण व्यवहार अपनाबो, सुपोषित छत्तीसगढ़ बनाबो के संदेश पर दिया जा रहा है जोर। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलूवालिया और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने बैंकिंग क्षेत्र में बड़े सुधारों की घोषणा की है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि सरकार 50 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि इसके लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कामकाज को बढ़ावा देने और उनकी कमियां दूर करने के लिए बैंकों के विलय का निर्णय लिया गया है। अर्थव्यवस्था को और गति देने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शुक्रवार को एक बार फिर मीडिया से मुखातिब हुई और इस बार उन्होंने बैंकिंग क्षेत्र को मजबूती देने के लिए तमाम कदमों का ऐलान किया। सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के विलय के मामले में बड़ा कदम उठाते हुए 10 बैंकों को मिलाकर 4 बैंक बनाने का ऐलान किया। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक के पंजाब नेशनल बैंक के साथ विलय की घोषणा की गई। कैनरा बैंक और सिंडिकेट बैंक का विलय कर दिया गया है। आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक के यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में विलय की घोषणा की गई है। इसके अलावा इंडियन बैंक का इलाहाबाद बैंक में विलय कर दिया गया है। वी हैड ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट SBI अमालगमेटेड अर्लियर, बैंक ऑफ बड़ौदा अमालगमेटेड अर्लियर, सो द कंसोलिडेटेड PSBs फॉर स्ट्रॉन्ग नेशनल प्रेजेंस एंड ग्लोबल रीच, वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव विद विच वी वेंट अबाउट दिस consolidation plan. So 82% of all PSB business will be with these banks. 56% of all commercial bank business will be with them. इन विलय के बाद सरकारी बैंक की संख्या 2017 के 27 बैंक से घटकर 12 रह जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि इन बैंकों के विलय के पीछे उद्देश्य देश में वैश्विक आकार के बड़े बैंकों का निर्माण करना है। The support that we had promised, which includes housing finance guarantees, also the partial credit guarantee schemes have all been executed. So sanction has begun with 3,300 crore already given, and about 30,000 crores are in the pipeline. So they're getting them, the liquidity is reaching them, they're settling matters through the NBFCs and in particular for the housing finance corporations. वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने पिछले हफ्ते भी तमाम कदमों का ऐलान किया था और उसमें ज्यादातर ऐलान लागू होने लगे हैं। उन्होंने कहा कि NBFC कंपनियों के लिए आंशिक ऋण गारंटी योजना लागू हो गई है। 3300 करोड़ रुपए का पूंजी समर्थन दिया गया है और 30,000 करोड़ रुपए देने की तैयारी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंकों में तमाम प्रशासनिक सुधार करने का भी ऐलान किया। निर्मला सीतारमण ने यह भी कहा कि सरकार ने पिछले सालों में जो सुधार किए हैं उनसे न केवल बैंकों का ग्रॉस NPA कम हुआ है बल्कि 18 में से 14 बैंक फायदे में आ गए हैं। द पब्लिक सेक्टर बैंक एंड दे ड्राइव, वी आर गोइंग थ्रू वाइड रेंजिंग रिफॉर्म्स, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्गर PSBs आर द वंस व्हिच वी आर एमिंग एट। रिमेंबर प्लीज रिकॉल दैट इन द बजट वी हैड मेड अ प्रोविजन ऑफ 70,000 करोड़, वेल प्रोविजन PSBs, 14 already in profit, we'd like all of them to do well. Then technology driven banking is what is the emphasis on today. Scale and synergy will be acquired because of the consolidation that we've done today, and governance is also getting strengthened, professionalized and independence given to them to function. वित्त मंत्री के तमाम ऐलान का मकसद न केवल बैंकिंग व्यवस्था को मजबूत बनाना है बल्कि $5 trillion की इकोनॉमी की दिशा में आगे बढ़ना है। अरुण शर्मा के साथ DD News। तो अर्थव्यवस्था सुधार के लिए एक बड़ा कदम।
बात प्रदेश की खबरों की। मतदाता सूची में किसी भी तरह की गड़बड़ी या गलती में सुधार के लिए कल से छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में मतदाता सत्यापन कार्यक्रम शुरू होगा। ये कार्यक्रम केंद्रीय निर्वाचन आयोग के निर्देश पर चलाया जा रहा है। अभियान के तहत कोई भी व्यक्ति घर बैठे इस बात की जांच कर सकता है कि उसके परिवार के कितने सदस्यों के नाम सूची में दर्ज हैं। साथ ही इसमें उनके नाम, पता, जन्मतिथि या अन्य आधारभूत जानकारी में किसी तरह की गलती तो नहीं है। आम लोग मतदाता सूची के सत्यापन के लिए पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, राशन कार्ड या सरकारी तथा अर्ध सरकारी पहचान पत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। रायपुर कलेक्टर तथा जिला निर्वाचन अधिकारी एस भारतीदासन ने बताया कि व्यक्तिगत जानकारियों का डिजिटल सत्यापन गूगल प्ले स्टोर में उपलब्ध ऐप के माध्यम से किया जा सकता है। इसके साथ ही दिव्यांग मतदाता जिला संपर्क केंद्रों और हेल्पलाइन नंबर 1950 के जरिए सत्यापन करा सकते हैं। इसके अलावा अपने मतदाता क्रमांक से भी परिवार के सभी सदस्यों की फैमिली टैगिंग की जा सकती है। जिला निर्वाचन कार्यालय की ओर से मतदाताओं से अपील की गई है कि वे इस सुविधा का इस्तेमाल करते हुए खुद के और अपने परिवार की जानकारी का सत्यापन करें। केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने भिलाई में FSNL का निरीक्षण कर वहां संचालित गतिविधियों का अवलोकन किया। श्री कुलस्ते कल FSNL के दौरे पर आए हुए थे। इस दौरान मंत्री ने BSP स्लग, ड्रम्प एरिया, सेपरेटर मैग्नेट, लॉन्चिंग एरिया और बॉलिंग एरिया का जायजा लिया। उन्होंने FSNL के कामकाज की समीक्षा कर यूनिट के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा की। उन्होंने अधिकारियों को FSNL में और बेहतर कामकाज के लिए इस्पात मंत्रालय के दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने को कहा। केंद्रीय राज्य मंत्री ने दूरदर्शन संवाददाता के साथ FSNL के अवलोकन को लेकर बातचीत की। देखिए, इससे मैं इसको कह सकता हूँ कि लाभप्रद इसलिए है कि इसमें जो निरंतर लोग काम कर रहे हैं, चाहे मिशनरी का हो और चाहे हमारे मैन पावर का हो, दोनों चीजें हैं। इसमें मिशनरी का भी जितना उपयोग 24 घंटे चलता है और इसलिए इसकी एक सीमा है, जो कैपेसिटी है उस कैपेसिटी के आधार पर ये पूरा काम होता है। ये जरूर इसमें से अनुभव आया है और निश्चित ये हम कह सकते हैं कि इसमें से जितना हमको प्रॉफिट हो सकता है, यहाँ से जाने के बाद इसका एक नए तरीके से विचार करेंगे और इसके बाद इसका अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। और इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री ने संयंत्र परिसर में वृक्षारोपण भी किया। इस दौरान फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक राजीव भट्टाचार्य के साथ कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। कुपोषण पर रोक लगाने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ में भी राष्ट्रीय पोषण माह के दौरान जन जागरूकता पर आधारित अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में रायपुर में तीजापुरा तिहार के मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और महिला और बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया की मौजूदगी में रायपुर से पोषण माह का शुभारंभ किया गया। इस दौरान जनप्रतिनिधियों ने घर घर पोषण व्यवहार अपनाबो, सुपोषित छत्तीसगढ़ बनाबो का संदेश दिया। साथ ही सुपोषित खाद्य पदार्थों के उपयोग पर जोर देते हुए सुपोषण टोकरी का वितरण किया गया। पोषण माह के दौरान राज्य के सभी शहरों और गांवों में पोषण त्योहार मनाया जाएगा। इसका आयोजन प्रमुख रूप से शिशु के प्रथम 1000 दिन, एनीमिया, डायरिया, हाथ धुलाई और पौष्टिक आहार पर आधारित है। कार्यक्रम के जरिए राज्य को कुपोषण से मुक्त करने के लिए इसे जन आंदोलन का रूप देने का लक्ष्य तय किया गया है। पोषण माह के माध्यम से आम लोगों को पोषण और स्वास्थ्य के मुद्दे पर जागरूक कर सुपोषण की मुख्यधारा से जोड़ा जाएगा। वर्ष 2022 तक देश में सबको अपना आवास उपलब्ध कराने के लक्ष्य को पूरा करने के तहत राज्य में भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकानों का निर्माण कार्य जारी है। रायगढ़ नगर निगम क्षेत्र में योजना के तहत अब तक 1300 मकान बनाए जा चुके हैं और इनके आवंटन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। योजना में उन लोगों को प्राथमिकता दी जा रही है जिनके पास खुद की जमीन तो है लेकिन मकान बनाने के लिए पैसे नहीं है। रायगढ़ के भगवानपुर, मां विहार कॉलोनी, डायमंड हिल और चंद्रनगर जैसे इलाकों में आवेदकों को मकान दिए गए हैं। योजना के नोडल अधिकारी अजीत तिग्गा ने बताया कि प्राप्त आवेदनों के आधार पर मकानों का आवंटन किया गया है। पूरे शहर में 1298 मकान अपन तैयार कर रहे हैं। ये अलग अलग जगह पे हैं, जैसे कृष्णा वाटिका है, अमली भवना है, कहवा कुंडा है, माँ विहार है, भगवानपुर है, कृष्णा वाटिका है, डायमंड हिल है, चंद्रनगर है।
कितने अभी काम पूर्ण है? लगभग 450 मकान के आसपास अपन ने पूर्ण कर दिया है, बाकी पे अभी काम चल रहा है, वो भी लगभग ऑलमोस्ट कंप्लीट होने पे है, तो संभवतः अपन उसको भी 1-1.5-2 महीना में कंप्लीट कर देंगे उसको। इसके लिए गाइडलाइन है, गाइडलाइन के हिसाब से जो पात्र हितग्राही हैं जिनका पहले से सर्वे हो चुका है, लोगों ने फॉर्म भरा है, उन लोगों को अपन लाएंगे जो स्लम, मोस्टली ये स्लम एरिया पे जो है निवासरत है उन लोगों को वहाँ शिफ्ट कर रहे हैं। इसके लिए पहले से सर्वे हो चुका है इनका और उन्हीं के सर्वे के आधार पर ही उनको, उनके एप्लीकेशन के आधार पर उन लोगों के लिए मकान बनाया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राज्य के अन्य जिलों में भी मकानों के निर्माण और आवंटन की प्रक्रिया चल रही है, यानी कि वर्ष 2022 तक सबको आवास की उपलब्धता। चंद्रयान 2 को चंद्रमा की कक्षा के और निकट पहुंचाने का चौथा प्रयास कल सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया। इसके बाद चंद्रयान 2 चंद्रमा के पास चौथी कक्षा में पहुंच गया है। कक्षा में बदलाव कल शाम 6:18 पर किया गया और इसमें 1155 सेकंड का समय लगा। इसे 5वीं और अंतिम कक्षा में पहुंचाने की कोशिश कल शाम को होगी। इसके बाद परसों 2 सितंबर को यान का लैंडर और रोवर ऑर्बिटर से अलग हो जाएगा। 7 सितंबर को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने का लक्ष्य निर्धारित है। छत्तीसगढ़ का पारंपरिक तिहार पोरा कल हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर ग्रामीण क्षेत्रों में पारंपरिक खेलों का आयोजन भी किया गया। दुर्ग जिले के मणियापार गांव में आयोजित पोला महोत्सव में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. रमन सिंह और सांसद विजय बघेल उपस्थित थे। कार्यक्रम के मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. सिंह ने लोगों को पर्व की शुभकामनाएं दी और इसे छत्तीसगढ़ की संस्कृति की पहचान बताया। इस दौरान आमंत्रित अतिथियों ने बैल की पूजा अर्चना कर महोत्सव का शुभारंभ किया। बैल दौड़, गेड़ी, मटका दौड़ और बैल सजाओ स्पर्धाओं में ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं लोक कलाकारों ने आकर्षक प्रस्तुतियां भी दी। इस दौरान डॉक्टर सिंह ने कहा कि मणियापार का ये ऐतिहासिक महोत्सव है, इसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। मणियापार का ऐतिहासिक पोला उत्सव 56 की यात्रा, 50,000 की भीड़ और जो ऐतिहासिक आसपास के 50 गांव के लोग आते हैं, ये ऐसा ऐतिहासिक अवसर बन पड़ा है कि आज छत्तीसगढ़ में इसकी एक पहचान बन गई है। पोला उत्सव के आयोजक समिति के सभी सदस्यों को बधाई दूंगा, ग्रामवासियों को बहुत बहुत बधाई दूंगा। वहीं राजधानी रायपुर में भी पोरा तिहार के मौके पर बैल दौड़ और बैल सजाओ प्रतियोगिताएं हुई। और इस दौरान कृषि क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले किसानों का सम्मान भी किया गया। और बुलेटिन के अंत में अब मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने बैंकिंग क्षेत्र में बड़े सुधारों की घोषणा करते हुए सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों का किया विलय। मतदाता सूची में किसी भी तरह की गलती में सुधार के लिए कल से छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में शुरू होगा मतदाता सत्यापन कार्यक्रम। केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने भिलाई में FSNL का किया निरीक्षण। और राष्ट्रीय पोषण माह के दौरान घर घर पोषण व्यवहार अपनावो, सुपोषित छत्तीसगढ़ बनावो के संदेश पर दिया जा रहा है जोर। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।